जी राम राम, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि 4 दिन की रणनीति यानी पीटीटी का एग्ज़ाम जो है आप सभी को पता है 21 मई को है। और दोस्तों, ये 4 दिन की क्या रणनीति सर, क्या मजाक बना रखा है एग्ज़ाम के लिए। जी बिल्कुल, वैसे मैं समझता हूँ कि ये 4 दिन में क्या ही कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स जो है ना वो इनक्रीज करवाने वाली वीडियो है ये। देखो, अगर हम लोग कह सकते हैं कि 5 लाख यहाँ पे बैठने वाले, 5 लाख से ज़्यादा ही है, तो मैं कहूँगा दोस्तों कि 2.5 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में यही रहता है कि एग्ज़ाम के टाइम हम तैयारी कर लेंगे, यही रहता है अमूमन। आप एक बार है ना अपने दोस्त से भी पूछ कर देखिएगा कि कौन जो है कंटिन्यूसली, अगर आपके 10 मित्र हैं तो 5 ऐसे हैं जो जो है मज़े कर रहे हैं या फिर वो सीरियस है ही नहीं एग्ज़ाम को लेकर। तो उन सभी के लिए और जो स्टडी करें उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा, ये वो टॉपिक होने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाने वाले हैं और आपको समथिंग ये कह सकता हूँ कि कोई ना कोई आपको कॉलेज भी मिल सकती है अगर आप ये वीडियो देखते हैं और ये टॉपिक जो मैं दे रहा हूँ ये फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, नाम मात्र टॉपिक होंगे और पढ़कर अच्छे प्राप्त कर सकते हैं नंबर, तुक्कों वाली तैयारी हम कह सकते हैं। और लेकिन ये याद रखना, ये वो तैयारी वाली जो रणनीति नहीं बता रहा हूँ जो 1 महीने 2 महीने या 4 महीने की है, ये सिर्फ और सिर्फ 4 दिन की है, जिसमें आप देखो कुछ न कुछ इनक्रीज ज़रूर कर लोगे यहाँ से, ये गारंटी है दोस्तों। ठीक है, आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। और पीटीटी के ओल्ड पेपर आप सभी की डिमांड थी तो मैंने अपलोड कर दिए हैं वेबसाइट पर, आप गूगल में जाकर टाइप करोगे ना राजस्थान क्लासेस तो आपको मिल जाएंगे फ्री में। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करेंगे विज्ञान की। जिनके विज्ञान आएगी ना दोस्तों, वो रसायन भौतिक और जीव सबको छोड़ दीजिए, एक बार क्रॉस लगाइए। और मात्र 4 टॉपिक दे रहा हूँ, वैज्ञानिक यंत्र और उनके उपयोग कहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, ओके, कोई भी मान लो एक यंत्र है और उस यंत्र का उपयोग कहाँ पे हो रहा है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक खोज और आविष्कार या आविष्कारक कौन हुए थे, किसी चीज़ जैसे पेन है तो पेन के आविष्कार कौन हुए, इस प्रकार के सवाल। ठीक है, मानव परिसंचरण तंत्र और मानव रोग और विटामिन, यानी ये 4 टॉपिक है दोस्तों मात्र, और 4 टॉपिक में से आपको 2-3 सवाल 100% जहाँ तक मुझे लगता है 4 टॉपिक्स में से 4 सवाल तो बन ही जाएंगे। ठीक है, अब सर ये कहाँ से पढ़े, ये देखो थ्योरी आती है इसकी, आपके पास बुक तो होगी ही ना, अगर बुक नहीं है तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि कहाँ से पढ़नी है, अगर बुक है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, बुक से पढ़ लेना, ये इसकी थ्योरी ही पढ़ना दोस्तों, थ्योरी से अच्छे से समझ आ जाएगा। भारत सामान्य ज्ञान सबसे अधिक आएगा, जहाँ से हम कह सकते हैं 20 से 25 प्रश्न कवर करने वाला भारत सामान्य ज्ञान, जिसके मात्र में आपके लिए 6 टॉपिक लेकर आया हूँ। आधुनिक भारत से ज़्यादा सवाल आ सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ बिल्कुल से अच्छे से रट लेना दोस्तों, एक सवाल पक्का आएगा। भूगोल की बात करें, भूगोल को हटा दो, यहाँ पे टॉपिक कितने, 2 और 2 4 टॉपिक 6 टॉपिक है। भौतिक स्वरूप आपको देखना है, सीमाएं देखनी है दोस्तों, किसकी कहाँ से लगती है, किसकी क्या राजधानी है ना, ये आपको देखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, अंतर्राज्यीय सीमाएं जो भी है, भारत की झीलें और नदियाँ ये आपको देखनी है दोस्तों। और जनसंख्या से 2 सवाल हर एग्जाम में पूछे गए हैं तो इसीलिए आपके लिए ये भी कहूँगा मैं। और वनस्पति वन्य जीव, वनस्पति को हटाइए, वन्य जीव केवल। अब यहाँ पर मैं और कुछ ऐड करूँगा, एक चीज़, सबसे ऊंचा भारत में क्या है, सबसे बड़ा क्या है भारत में, सर्वाधिक क्या है भारत में दोस्तों, किस फील्ड में क्या सर्वाधिक है, न्यूनतम क्या है, ठीक है, प्रथम क्या है और आखिरी क्या है, ये चीज़ें जो है ना ये पढ़ के जाइएगा, यहाँ से आपको 3-4 सवाल देखने को मिल जाएंगे। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है, तो ये आपने ये कर लिया दोस्तों। ठीक है, अब ये भारत सामान्य ज्ञान भी हो गया, अब आता है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स की बात करेंगे दोस्तों तो बात आएगी विश्व पर, 1-2 सवाल आएंगे, भारत से संबंधित 3-4 सवाल आएंगे और राजस्थान से संबंधित 3-4, यानी कि 8 से लेकर 10 सवाल आएंगे आपके। और इसके लिए आपके पास अगर समय है तो आप इसको पढ़ेंगे, अन्यथा दोस्तों मैं आपको ये बताऊँगा, कोई मैराथन क्लास देखिए आप लोग। ठीक है, भारत की एक मैराथन क्लास देखिएगा, पिछले 3 महीने की ओनली, सिर्फ 3 महीने के, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, 3 महीने की एक मैराथन क्लास कोई देखो, कि पिछले 3 महीने की कोई मैराथन क्लास है क्या भारत सामान्य ज्ञान की, तो उसको देखो, वहाँ से आपके 3-4 सवाल कवर हो जाएंगे। राजस्थान की भी एक 3 से 4 महीने पुरानी जो है क्लास देखो, यानी पुरानी नहीं, अभी की मैराथन क्लास कोई ना कोई कहीं पर आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पर सर्च करोगे तो। ठीक है, विश्व को एक बार इग्नोर कर लो। ठीक है, ओके सर,
अब तर्क शक्ति, सर सारे टॉपिक के क्या नहीं दोस्तों, आधे टॉपिक लेकर आया हूँ तर्क शक्ति के, और तर्क शक्ति के मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। आपको क्या करना है, YouTube पर जाना है और लिखना है सीरीज परीक्षण की, जो है सीरीज कह सकते हो या श्रृंखला परीक्षण की ट्रिकी वीडियो आपको खोजना है YouTube पर जाकर। एक वीडियो सफिशियंट है दोस्तों आपके लिए, एक एक करके अगर आप देखते हैं ना तो एक रीजनिंग जो है ना एक दिन में कवर हो जाएगी। एक बार ध्यान से सुनिएगा, ये जो है ना जीके का सेक्शन, जीके का कंप्लीट सेक्शन जो दोस्तों, जैसे विज्ञान विज्ञान ये 3 घंटे का काम है, ज़्यादा नहीं है, ये रटोगे तो 3 भी नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। आधुनिक राजस्थान और ये करेंट अफेयर्स, ठीक है, इसमें एक दिन मान लेते हैं अपन, तीनों टॉपिक में से एक दिन मान लेते हैं ये, और दूसरा दिन तर्क शक्ति के लिए मान लेते हैं, ठीक है, और तीसरा दिन जो है तर्क शक्ति में दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको कवर करने, अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो है यहाँ से दो दो सवाल देखने को मिलेंगे हर टॉपिक से। ये मैंने वो टॉपिक चुने हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ ना दोस्तों तो आपको आधा दिन लगेगा यहाँ पे, आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, बहुत कम समय देना है और यूनिक समझना है। देखो एक बार, थोड़ा समय तो ज़्यादा लगेगा लेकिन मैं आपको बताऊं सामाजिक परिपक्वता, थोड़ा सा समझिए, अपने स्कूल जोन से बाहर आइए और एक कॉलेज के लिए या फिर एक टीचर बनकर सोचिएगा क्या कि सामाजिक परिपक्वता, यानी एक टीचर का समाज, एक समाज में एक टीचर का क्या योगदान रहता है, उसकी क्या अहमियत रहती है, उसकी क्या जो है हम कह सकते हैं महत्वता रहती है उसकी एक समाज में एक टीचर की, ठीक है, और एक टीचर को समाज में किस लिहाजे से देखा जाता है, लहजे से देखा जाता है, तो ये आपको देखना है। ये सामाजिक परिपक्वता में इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। दूसरी बात है कि नेतृत्व यानी लीडरशिप, दोस्तों लीडरशिप की बात करें तो मान लीजिएगा कि आप टीचर हैं, आप नेतृत्व करेंगे, ठीक है। कई बार आपके ऊपर भी सवाल आ जाता है, कई बार क्या होता है कि नेतृत्वकर्ता जो है ना, ये हम क्लास में एक बच्चे को जो है क्या बनाते हैं दोस्तों, हम बनाते हैं ना कि भाई ये मॉनिटर है, कहते हैं ना कि भाई मॉनिटर है ये, तो उसके बारे में हम बात करें तो वो मॉनिटर कैसा होना चाहिए, उसकी भावनाएं, उसके विचार कैसे होने चाहिए, वो डिसिप्लिन रखता है नहीं रखता, अपन किसी मतलब कह सकते हैं कि बदमाश लड़के को अगर बना देंगे मॉनिटर तो फिर वो किसका पक्ष करेगा, किसका निष्पक्ष करेगा, इस प्रकार से हमें ये नेतृत्व वाली बातें इसमें नेतृत्व में की जाती है। संप्रेषण दोस्तों, बातों का आदान प्रदान, आपका और अभिभावकों के बीच में कैसा संप्रेषण हो सकता है, छात्र और आपके बीच में कैसा संप्रेषण हो सकता है, व्यावसायिक आपका, आप जो शिक्षक हैं दोस्तों और शिक्षक के रूप में आपको पूछे जा सकते हैं व्यवसाय से रिलेटेड सवाल, अगर आप ट्यूशन जो है स्टार्ट कर दें तो फिर आपका वो व्यवसाय गिना जाता है, उस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। अंतर्वैयक्तिक संबंध और सजगता, आपकी जो भावनाएं हैं वो आप किसी व्यक्ति से अगर बात करते हैं तो आप शिक्षक बनकर किस प्रकार से करते हैं, आप विद्यालय में अपने स्टाफ से किस प्रकार से जो है पेश आते हैं, आप समाज में या फिर उस विद्यालय की गांव में किस प्रकार से आप लोगों से पेश आते हैं, इस प्रकार के सवाल दोस्तों। जहां पर पॉजिटिव सवाल पूछे ना तो वहां पर उसका आंसर पॉजिटिव देना है, एक बार ध्यान से सुनिएगा, और जहां पर नेगेटिव आंसर पूछे तो फिर नेगेटिव क्वेश्चन पूछे तो वहां पर नेगेटिव ही आंसर देना है। यकीनन आप इसमें 50 में से दोस्तों 45 सवाल सही करके आओगे, ये वापस आके मुझे बताओगे कि सर वास्तव में हमने ये करा है, और इसके लिए अब आपको क्या करना, पहले तो ये समझ लेना है कि भाई ये चीज़ें हैं, ठीक है, कि भाई हम जो नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव। अब उसके बाद आपको बुक में आपको क्या करना है, बुक में ये टॉपिक दे रखे हैं, सारे टॉपिक के पीछे क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं और सभी क्वेश्चंस में ये देखना है, जो भी 250 क्वेश्चन है तो आप 6 से 7 घंटे लगा सकते हैं दोस्तों इन प्रश्नों में और अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर बुक नहीं है तो वही मैं बताऊंगा तो भी कि भाई आपको कहाँ से डाउनलोड करना, ये है सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के इससे डबल टॉपिक है लेकिन बहुत कम कर दिए मैंने दोस्तों। ये सारे ट्रिकी वीडियो देख लेना, ट्रिकी वीडियो सभी के मिल जाएंगे आपको, संधि के मिलेंगे, समास के मिलेंगे, उपसर्ग के भी मिलेंगे, मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में, ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लेना, ये हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं ट्रिकी वीडियो। प्रत्यय
ठीक है, शब्द भेद ये थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे, शब्द शुद्धि ये सिर्फ समझने वाली बातें हैं, पर्यायवाची दोस्तों और विलोम शब्द ये समझने वाली बातें हैं, रटने बैठ जाओगे तो दो दिन में कवर नहीं होंगे, आपको समझने हैं ये नॉर्मली, जो आपको समझ नहीं आए उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये जो टॉपिक है मुहावरे लोकोक्ति हैं ये अपनी भाषा में समझना है, अगर आप राजस्थान के हैं तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों। ये जो है ना देखो, अगर आपको ये समझ नहीं आए मुहावरा तो इसकी आप ट्रिक देख सकते हैं, आपको ट्रिक मिलेगी, आपको पीछे ट्रिक लिखना पड़ेगा कि भाई मुहावरे पढ़ने के लिए ट्रिक, ठीक है। तो ऐसे में आप है जो अच्छे से कवर कर लोगे इसका। और अब बात आती है दोस्तों राजस्थान भूगोल, भारत भूगोल। दोस्तों देखिए, इसमें आप बुक से अगर इन दिनों में नहीं भी जाएंगे तो भी मैं मानूंगा कि जाने की आवश्यकता नहीं है बुक में, ट्रिक की वीडियो ओनली, ठीक है। अब यार भारत का भूगोल देखो, सीधी सी बात है भैया, राजस्थान हमारा प्यारा सा सब्जेक्ट है, मतलब मैं मेरा कहूँगा मेरा सबसे प्रिय जो सब्जेक्ट है वो राजस्थान जीके है, ठीक है। और आप सभी को बताएं कि राजस्थान जीके को मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो ये बेहतरीन जो हमारी तरफ से हो भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है ना ये मेरे से ज़्यादा सेलेक्ट हुए, तो इसके लिए आप ऐसा करना हर टॉपिक से 20-20 प्रश्न पढ़ लेना, 20 सवाल इसके, 20 सवाल जलवायु के, 20 मृदा के, 20 वन्य जीवों के, 20 सवाल बहुउद्देशीय परियोजनाओं के, 20 सवाल खनिजों के, जनसंख्या के 20 सवाल, जो आपको जो लगे ना आपको सिलेक्शन करना है यहाँ पे कि भाई ये सवाल आ सकता है, जो टॉप टॉप जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ऐसी बुक आपके पास है, अगर PTT की है या BSTC की है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको बताऊँ कहाँ से करना है डाउनलोड, ठीक है। राजस्थान की कला संस्कृति जैसा फर्स्ट में बताया वैसा ही यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि 20-20 सवाल सभी के पढ़ने, तो आप इसमें एक दिन इसमें मान लीजिए, ठीक है, और आधा दिन इसका समझ लीजिए आप, है ना, और आधा दिन किस में हो गया, आधा दिन आपका इसमें हो गया, शिक्षण अभिरुचि और हिंदी का आधा आधा करके एक दिन हो जाएगा, एक टीचिंग एप्टीट्यूड का हो जाएगा, मैं पूरा मानता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको ट्रिक ही है, 10-15 मिनट की वीडियो मिल जाएगी, और एक मैं GK का मान लेता हूँ, GK GS का, ठीक है। तो अब ये राजस्थान GK का जो है कंप्लीट मान लेते हैं पूरा दिन, तो फिर और क्या चाहिए बताऊँ, 4 दिन का मैंने आपको बताया, और वो भी मैं आपको वीडियो जो दे रहा हूँ मैं वो आपको एक दिन पहले दे रहा हूँ, 5 दिन पहले दे रहा हूँ, तो फिर 4 दिन की ही बता रहा हूँ, 5वें दिन में आपके लिए और है एक्स्ट्रा। ये राजस्थान की कला संस्कृति जो है इसमें भी आप 20-20 सवाल कवर कर लेना सभी टॉपिक से, इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा जो सवाल है देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतिहास में इतना कुछ होता है लेकिन सिर्फ 4 टॉपिक है, एकीकरण, प्रजामंडल और कृषक आंदोलन, क्रांति और इतिहास के प्रमुख स्रोत, ठीक है। इसके सवाल ही पढ़ना, तो डीपली थ्योरी में मत जाना, सवाल सवाल ओनली क्लियर करना, ठीक है दोस्तों। तो ये जो स्ट्रेटेजी थी ये मेरी तरफ से थी, लेकिन नोट यहाँ पे एक मैं ज़रूर डालूँगा आपके लिए कैप्शन नोट वाला, कि ये तैयारी बहुत नहीं है, और यहाँ से सवाल मैंने जो एनालिसिस करा पिछले पेपर्स पर, गत वर्षों के पेपर को देखते हुए ही ये जो टॉपिक ऐड करे हैं पिछले पेपर पर एनालिसिस करके, यूं नहीं कि मैंने मेरे मन से बताया, नहीं, तो एनालिसिस करके दिया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन इतना नहीं। और आप ये भी नहीं कह सकते कि सर 4 दिन की क्या ही रणनीति, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई ये कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई आप 2 महीने वाली या 4 महीने वाली यहाँ पे फील लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपकी अगर इच्छा थी, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को, हाँ, तो थोड़ी बहुत है जगह अपने ज़रूरत भी है, और अम्पो है जगह पहली पढ़िया होता तो इन वीडियो देखता भी को नहीं, बात अच्छी है कि नहीं है, 1,00,000 रुपये की बात है कमेंट कर दीजो, हाँ। PDF और टेस्ट वास्ते आप कहीं करोला राजस्थान क्लासेज वेबसाइट में विजिट कर सको। अब मैं बताऊँ आपने कि सारी PDF कटूँ लेनी है आपने, आपके वास्ते एक राजस्थान 360 ऐप है दोस्तों, ठीक है, अटे आपने सारा टॉपिक मिल जावेला, राजस्थान 360 देखो, और ये राजस्थान 360 कटून लेना है गूगल प्ले स्टोर में, आपने गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है, ठीक है, और प्ले स्टोर में आपने सारा जगह यानी ए टॉपिक में बताया यानी ए टॉपिक हैंग मिल जावेला आपने, तो आप देख सको दोस्तों 49 में, ओनली 49 में, ठीक है, जगह मैं टॉपिक बताया नहीं एज पढ़ जो, इनमें थोड़ा और एक्स्ट्रा दियोड़ा है पर जगह टॉपिक बताया है नहीं एज पढ़ना आपने, बाकी की नहीं। अगर आप चाहो कि नहीं मैं तो फ्री में कोर्स लेऊंगा तो फ्री वालों भी ले सको, राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट है, आपने गूगल मत जानो है राजस्थान क्लासेज टाइप करना है, ठीक है, आपने मिल जाओ वेबसाइट, लेकिन बात करो नहीं सीधी सीधी तो सबोरो लिंक डिस्क्रिप्शन में दियोड़ो है, तो आप जो उन मत क्लिक करें ले सको जान, ठीक है, ओके। अब पाचा अगली क्लास में मिलो, ठीक है नहीं, आप वीडियो हमारे मारे ख्याल हूँ थोड़े वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट आ साबित हुई वेला, एक कमेंट जरूर कर दे जो कि आपने आ वीडियो कैडी लगी और आप वास्ते कितनी
महत्वपूर्ण होवेला आ वीडियो आप मने कह सको कमेंट जरिए दोस्तों। तो कमेंट कर जो पक्को है नी। हाँ, आपरे वास्ते घनी घनी शुभकामनाओं। बढ़िया थोड़ी तैयारी कर लेजो अगर नहीं करी हुए इतना दिन तो, और अगर इतना दिन करी भी हुए नहीं तो भी इन टॉपिक रो थोड़ो मन राख जो पढ़ने वास्ते। ठीक है, घना और घना धन्यवाद।